हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिस इज कशिश में आज की वीडियो में हम करने वाले कोसार्लगोरिदम ठीक है ये एल्गोरिदम फाइंड करता है कि कोई एक ग्राफ है उसमें कितने स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कॉम्पोनेंट है ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कॉम्पोनेंट होता क्या है ठीक है स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कॉम्पोनेंट एक वो कॉम्पोनेंट होता है ग्राफ का जिसमें क्या है कि हर एक वर्टेक्स हर एक दूसरे वर्टेक्स को विजिट कर सकता है ठीक है मतलब ग्राफ में आप ये वाला पार्ट देखो ठीक है इस वाले पार्ट में तीन वर्टेक्स है जीरो वन टू ठीक है जीरो से मैं वन जा सकता हूँ डायरेक्टली अगर जीरो से मैं टू जाना हो तो जीरो से मैं ये वाला पाथ लेके टू तक पहुंच सकता हूँ तो जीरो से मैं टू तक तो भी जा सकता हूँ जीरो भी सिमिलरली टू से मैं जीरो भी जा सकता हूँ वन भी ठीक है तो मतलब क्या है ये तीन वर्टेक्स है कि मतलब कोई भी वर्टेक्स इसमें से चूज कर लो तो बाकी कोई भी वर्टेक्स तक मेरे पास पाथ है ठीक है अब क्या है कि थ्री ये वाले कॉम्पोनेंट में नहीं आता क्यों क्योंकि मैं three से दुबारा इसके किसी भी वर्टेक्स पे नहीं जा सकता, ठीक ठीक है? है, है, है? है, तो ये एक strongly connected component है, ये है, वैसे ये एक दूसरा वैसे तीसरा और जो लास्ट में ये सिंगल है नोड है ये भी एक स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कॉम्पोनेट है ठीक है तो अगर ये ग्राफ देखे तो ये ग्राफ में मेरे पास फोर स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कॉम्पोनेट है ठीक है तो अभी हम एल्गोरिदम देखेंगे कि जिससे कि हम फाइंड कर सके कि कितने स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कॉम्पोनेट्स हैं ठीक है एल्गोरिदम शुरू करने से पहले मैं पहले सारा एल्गोरिदम परफॉर्म करूंगा ठीक है मतलब ड्राई रन ठीक है तो फिर बाद में आपको बताऊंगा कि ये एलगोरिदम क्यों वर्क करता है ठीक है तो क्यों वर्क करता है वो जानने के लिए आपको पूरा एल्गोरिदम पेशेंस से देखना होगा ठीक है आपको शायद समझ ना आए कि यार ये सब क्यों कर रहे हैं बट सबर रखना वो भी बताऊंगा ठीक है इस एल्गोरिदम में हमें क्या की सबसे पहले स्टैक लेना है ठीक है और एक विजिटेड एरे लेना है ठीक है विजिटेड एरे में मेरे को क्या करना है इनिशियलाइज कर देना सभी को जीरो से ठीक है तो एंड ठीक है इनिशियली क्या है कि सारे फॉल्स है ठीक है अब मेरे को क्या करना है इसमें दो डी एफ एस कॉल्स लगेंगी फर्स्ट डीएफएस कॉल में मेरे को क्या करना है आई हैव टू मतलब किसी भी नोट से डीएफएस स्टार्ट करो ठीक है और क्या है अगर उस पॉइंट का डीएफएस खत्म हो जाए ठीक है तो जैसे डीएफएस का कोड होता है 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 कि जैसे ये पॉइंट तो I have to visit its every direction, तो आई हैव टू विजिट इट्स एवरी डायरेक्शन ठीक पहले एक डेप्थ में गया फिर दूसरी फिर तीसरी ठीक है ये सारा जब खत्म हो जाए तब लास्ट में मेरे को वो एलिमेंट स्टैक में डाल देना है जब उसके सारे नेबर्स विजिट हो जाएं जो अनविजिटेड थे लास्ट में मेरे को एलिमेंट स्टैक में डाल देना है ठीक है कैसे एक बार देखते हैं मान लो कि मैंने डीएफएस स्टार्ट किया जीरो से ठीक है तो डीएफएस में क्या होता है सबसे पहले आई हैव टू मार्क दैट एलिमेंट ट्रू ठीक है तो जीरो को मैंने कर दिया ट्रू ठीक है उसके बाद मैं गया उसके नेबर पे वन पे ठीक है तो वन पे गया तो वन नॉट विस्टेड था तो उसको मैंने ट्रू कर दिया फिर वन से मैं टू गया टू मेरा नॉट विस्टेड था तो मैंने टू को ट्रू कर दिया ठीक है टू से फिर मैं जीरो गया ठीक है जीरो विस्टेड था ठीक है तो कुछ नहीं करना फिर नेक्स्ट नोड देखा टू का थ्री है नोड ठीक है तो टू से थ्री पे गया थ्री देखा मैंने नॉट नॉटेड है तो मैंने थ्री को ट्रू कर दिया फिर थ्री से मैं फोर गया फोर देखा मैंने नॉट विजिटेड है तो मैंने फोर को भी ट्रू कर दिया ठीक है अब क्या है कि फोर से एक ही नोड है बैक टू थ्री बट थ्री ऑलरेडी विजिटेड है तो फोर के सारे नेबर्स विजिटेड है ठीक है एक पहले ही विजिटेड था और इसका कोई है नहीं तो फोर का डीएफएस खत्म हो जाएगा तो सबसे पहले मैं फोर पुश कर दूंगा स्टैक में ठीक है फोर के बाद अब आया थ्री थ्री से कितने हैं एक ही एज है वो मैं कवर कर चुका हूँ तो थ्री का भी डीएफएस खत्म हो गया ठीक है उसके बाद बैग गया टू से ठीक है अब टू का डीएफएस भी खत्म हो गया क्यों टू से ये वाला रास्ते से मैं गया था और वो रास्ता कवर हो चुका है ठीक है तो इधर आ जाएगा टू ठीक है टू का डी भी खत्म हो गया उसके बाद आया वन वन से भी एक ही था एज ठीक तो है तो वन का डीएफएस भी खत्म हो चुका है ठीक है उसके बाद आया जीरो, जीरो एक, एक था एज और वो हमने पहले ही कवर कर चुके हैं ठीक है ठीके? अब क्या है कि मेरे पास जब डीएफएस खत्म हो जाए बट अभी ग्राफ कंप्लीटली कवर नहीं हुआ तो आई फाइंड नेक्स्ट वर्टेक्स जो भी नहीं है तो वो फाइव है तो मैं फाइव से डीएफएस दोबारा स्टार्ट करूंगा एक को नेक्स्ट टाइम ठीक है तो फाइव को मैंने मार्क किया ट्रू ठीक है फिर फाइव से मैं गया सिक्स पे Six मेरा नॉट विस्टेड था तो मैंने को ट्रू कर दिया ये वाला पाथ फॉलो कर रहा हूं मैं अब फिर उसके बाद मैं पे गया नॉट विस्टेड है तो मैंने को ट्रू कर दिया उसके बाद मैं गया एट पे एट भी नॉट विस्टेड है तो मैंने एट को ट्रू कर दिया ठीक है अब एट का एक ही है जे फाइव वो ऑलरेडी विस्टेड है ठीक है तो मतलब क्या एट का डी एफ एस भी खत्म हो गया तो मैंने एट को स्टैक में डाल दिया ठीक है उसके बाद सेवन सेवन का भी एक एज था विजिट हो गया तो सेवन आ गया स्टैक पे ठीक है उसके बाद में आया मेरा एट सॉरी का एक और है नाइन ठीक है तो नाइन अभी विजिटेड नहीं है तो नाइन को विजिटेड को मैंने किया ट्रू और नाइन मैंने स्टैक में डाल दिया ठीक है अब नाइन नाइन का वैसे भी डी एफ एस नाइन को स्टैक में डाल दिया अब सिक्स के दो थे डायरेक्शन ये कवर हो चुका था ये अभी कर दिया तो सिक्स को मैंने स्टैक में डाल दिया ठीक है उसके बाद मैंने फाइव बचा तो फाइव का भी डीएफएस हो चुका है तो मैंने फाइव को स्टैक में डाल दिया टोटल कितने नोट है जीरो टू नाइन टेन नोट कितने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ठीक है तो ये मेरा पहला पार्ट हो गया ठीक है उसके बाद दोबारा दूसरी डी एफ एस कॉल करनी है सेकेंड पार्ट में ठीक है उसके लिए सारे शुरू में ये दोबारा फॉल्स उसके बाद हमें क्या करना है ग्राफ को रिवर्स कर देना है ठीक है अगर यू से वी के बीच में एज है तो उसको मेरे को बना देना है वी से यू ठीक है तो सेकेंड पार्ट के लिए तो अभी मैं इसको सारा रिवर्स करता हूँ ठीक है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नाइन सेवन एट ठीक है तो ये क्या रिवर्स कर रहा हूँ ठीक है ठीक है तो ये मैंने क्या किया अब मैंने रिवर्स कर दिया सारा ग्राफ ठीक है तो जैसे अगर वन से टू था तो ये ये वन से टू था ये टू से वन हो गया ठीक है तो ये ग्राफ मेरा सारा अब रिवर्स हो गया अब मेरे को क्या करना है विजिटेड दोबारा से सारे फॉल्स ठीक है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन ठीक है विजिटेड दोबारा से सारे फॉल्स अब मेरे को क्या करना है कि स्टैक के टॉप से एलिमेंट लेना है ठीक है और क्या है कि जब तक उसकी डीएफएस कॉल खत्म नहीं हो जाती मेरे को डीएफएस कॉल करनी है ठीक है फिर मैं नेक्स्ट एलिमेंट लूंगा जो नॉट वेस्टेड है ठीक है सबसे पहले मैंने फाइव लिया ठीक है मैं इधर लिखूंगा स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कॉम्पोनेंट्स ठीक है पहला सबसे पहले मैंने लिया फाइव ठीक है फाइव फॉल्स था फाइव को मैंने किया ट्रू ठीक है और क्या है कि स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कॉम्पोनेंट्स के पहले पार्ट में एड कर दिया उसके बाद देखा मैंने फाइव का अब नेक्स्ट है एज एट ठीक है फाइव से जा रहा है एट एट मेरा फॉल्स था तो एट को मैंने किया ट्रू और मैंने एट को डाल दिया ठीक है उसके बाद आया सेवन सेवन था मेरा फॉल्स तो सेवन को किया मैंने ट्रू और मैंने सेवन डाल दिया ठीक है उसके बाद आया मेरा सिक्स सिक्स मेरा फॉल्स था सिक्स को मैंने ट्रू किया और सिक्स मैंने स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कॉम्पोनेंट में डाल दिया ठीक है उसके बाद आया सिक्स के बाद देखो और कोई एच नहीं है सिक्स का डीएफएस खत्म हो गया ठीक है तो सिक्स से मैं गया फाइव ठीक है फा... सिक्स से फाइव जाना है ठीक है सिक्स का डीएफएस खत्म हो गया फिर सेवन सेवन का भी खत्म एट एट का भी खत्म फिर फाइव फाइव का भी खत्म ठीक है इसका डीएफएस खत्म तो मैंने इसको टॉप से हटा दिया ठीक uh, है फिर मैंने नेक्स्ट एलिमेंट लिया ठीक है नेक्स्ट एलिमेंट है सिक्स बट सिक्स क्या है कि ऑलरेडी डीएफएस में कवर हो चुका है तो मैं सिंपली से रिमूव कर दूंगा ठीक है उसके बाद आया मेरा नाइन, नाइन। ठीक है तो नाइन मेरा है फॉल्स ठीक है तो मतलब नाइन को मैंने किया है ट्रू और मैंने नाइन को डाल दिया इधर ठीक है अब क्या कि नाइन का कोई नेबर ही नहीं है तो नाइन का डीएफएस वैसे ही खत्म हो गया ठीक है उसके बाद आया सेवन बट सेवन ट्रू है तो मैंने सिंपली हटा दिया उसके बाद आया एट एट भी ट्रू है मतलब डीएफएस में आ चुके हैं तो एट को भी हटा दिया उसके बाद आया जीरो ठीक है तो थर्ड कॉम्पोनेंट जीरो मेरा है फॉल्स तो जीरो को किया मैंने ट्रू ठीक है और उसके बाद मैंने क्या किया जीरो को इधर डाल दिया फिर जीरो के नेबर देखे जीरो का नेबर क्या है वन और इधर देखो जीरो का नेबर क्या है टू ठीक है तो टू को मैंने क्या किया ट्रू uh, uh, कर दिया ठीक है और क्या कि इधर टू आ गया ठीक है उसके बाद में मैंने क्या किया वन ठीक है तो वन वन मेरा फॉल्स था तो वन मैंने ट्रू किया और मैंने इधर वन डाल दिया ठीक है वन से ज़ीरो गया तो वन वेस्टेड हो गया टू भी कम्प्लीटली वेस्टेड हो गया ठीक है उसके बाद में मेरा जीरो जीरो भी कम्प्लीटली वेस्टेड हो गया ठीक है तो मैंने जीरो रिमूव कर दिया अब नेक्स्ट है वन बट वन वेस्टेड है सिंपली हटा दिया नेक्स्ट है टू टू मेरा विजिट हो चुका है सिंपली हटा दिया फिर थ्री फॉर बचे मैंने थ्री को लिया थ्री मेरा फॉल्स था तो थ्री को ट्रू किया तो इधर मैंने थ्री ऐड किया फिर थ्री का एड जा रहा है फोर को ठीक तो है तो फोर देखा मैंने फॉल्स है तो फोर को मैंने ट्रू किया और फोर मैंने ऐड कर दिया ठीक है उसके बाद में कुछ और बचा नहीं, सारे ट्रू हो गए और जो मेरा फाइनल आंसर बचा वो मेरा ये है कि इसमें फोर स्ट्रोंगली कनेक्टेड कॉम्पोनेंट है ठीक है अब सबसे इंपॉर्टेंट बात तो परफॉर्म कर लिया बट ऐसा क्यों किया, किया वो देखते हैं से है कि हर एक से दूसरा है, इन तीनों से ये, मतलब क्या है कि ये तीनों एक दूसरे से विजिट एक दूसरे से विजिट हम कर सकते हैं ठीक है वन से मैं टू विजिट कर सकता हूँ जीरो जीरो से वन एंड टू ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इन तीनों को एक नोट से डिनोट कर सकता हूं ठीक है क्यों क्योंकि ये तीनों ही आपस में विस्टेड है तो मैंने इन तीनों को एक नोट से डिनोट कर दिया ठीक है अब क्या है कि जीरो से अब क्या है कि दूसरा कॉम्पोनेट है उसको भी मैंने वैसे डिनोट कर दिया थ्री फोर ठीक है तीसरा कॉम्पोनेंट है उसे मैंने डिनोट कर दिया फाइव सिक्स सेवन एट चौथा कॉम्पोनेंट है नाइन मैंने उसे ऐसे डिनोट कर दिया ठीक है अब क्या है कि दो स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कॉम्पोनेट के बीच में एक ही एज हो सकता है ठीक है एज वापस नहीं आ सकता ठीक है क्यों क्योंकि वापस क्यों नहीं आएगा अगर वापस आ गया इसका मतलब क्या है कि जीरो वन टू तो एक दूसरे से अगर मैं जीरो पे हूं तो मैं ये सारा ट्रेवर्स कर लूंगा इधर को डायरेक्शन जा रही है मतलब थ्री फोर भी मैं ट्रेवर्स कर लूंगा ठीक है बट अगर वापिस आ गया तो थ्री फोर से मैं वापिस ये वाले सारे भी ट्रेवर्स कर पाऊंगा तो ये एक कॉम्पोनेंट कहलाएंगे ठीक है तो इसीलिए क्या है कि ये साइकिल नहीं हो सकता बैक एज भी नहीं हो सकता ठीक है तो ये ये वाला सब ग्राफ से मैंने एक एज ड्रॉ कर दिया ठीक है फिर ये वाले से मैंने एक एज ड्रॉ कर दिया फिर ये वाले से हुआ ठीक है तो ये मेरा बन गया ओरिजिनल ग्राफ ठीक है तो मैंने क्या किया अब देखो ओरिजिनल ग्राफ में अगर मैंने जीरो से स्टार्ट किया है डी एफ एस ठीक है तो डी एफ एस में क्या होता है कि नेबर सारे जितने भी है इसके आसपास पास नॉट वेस्टेड उन सभी को विजिट करके एंड में जीरो को ट्रेवर्स करेंगे हम मतलब एंड में जीरो आएगा बाकी सारे उसके नेबर आ जाएंगे ठीक है तो क्या कि अगर मैंने जीरो से स्टार्ट किया तो थ्री फोर जो है वो विजिट हो जाएंगे उसके बाद जीरो विजिट होगा मतलब क्या है कि जब मैं स्टैक में डाल रहा था तो थ्री फोर मान लो कहीं इधर आ रहा है ठीक है तो जीरो ऊपर आएगा ये चीज बनेगी ठीक है स्टैक में ऐसे आएगा ठीक है उसके बाद दूसरी चीज देखो जीरो से ये सारा ट्रवर्ट हो जाएगा उसके बाद मैंने लिया था फाइव वाला ठीक है मान लो कि मैंने फाइव ठीक है अभी इससे ये सारा विस्टेड हो जाएगा मैंने लिया जीरो इधर से मैंने डीएफएस स्टार्ट किया था मान लो मैंने फाइव से स्टार्ट किया तो ये वाले सारे से ये मेरा ट्रेवर्स तो मतलब क्या है कि नाइन ट्रैवर्स होगा ये वाला सब कॉम्पोनेंट उसके ऊपर आएगा फाइव ठीक है सिमिलरली पहले में, दो डीएफएस कॉल से फिर मेरा हो गया अब मैंने क्या किया था रिवर्स कर दिया था रिवर्स करने का क्या लॉजिक है जैसे जीरो वन टू है अगर इसके बीच में मैं जो एज रिवर्स कर दूं ठीक है तो स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कॉम्पोनेंट वैसा ही रहेगा ठीक है बट क्या है कि जो रास्ता U से V का था वो V से U का बन जाएगा बट है क्या कि स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कॉम्पोनेंट्स के अगर रिवर्स कर दो एजेस तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बस बाहर वाली एज हम रिवर्स कर देते हैं ठीक है तो यह बन गया मेरा थ्री फोर ठीक है और ये बन गया मेरा फाइव सिक्स सेवन एट ठीक है और ये मैंने उल्टा कर दिया था नाइन अब क्या है कि मैंने डीएफएस जीरो से स्टार्ट किया था तो मेरा जीरो क्या था? टॉप में होगा ठीक है जीरो मेरा के टॉप में होगा अब मेरे को क्या करना है कि डीएफएस इस ग्राफ पे लगाना है ठीक है अब देखो इधर से जीरो अब क्या कि जब मैं जीरो से डीएफएस लगाता हूं तो ये सारा कवर हो जाता है ठीक है अब मैंने एज रिवर्स कर दिया तो मेरा क्या है कि अगर मैं जीरो से लगाऊंगा तो मेरा ये वाला कॉम्पोनेंट सिर्फ कवर होगा मैं इस वाले का एक भी पार्ट में नहीं जा पाऊंगा ठीक है हमें जीरो टॉप पे चाहिए था क्यों क्योंकि जब मैं रिवर्स करता हूं एज मैं चाहता हूं कि सिर्फ जीरो से जो कनेक्टेड कॉम्पोनेंट हैं सिर्फ वही ही विस्टिड हो ठीक है तो जो सिर्फ कंपोनेंट किसी दूसरे कंपोनेंट के एज नहीं जाते मैं चाहता हूं कि पहले वो काउंट हो जाए ठीक है ताकि वो एक कंपोनेंट में आ जाए तो मैंने क्या किया जीरो ऊपर रखा ठीक है ताकि मैं जीरो को डीएफएस कॉल कर सकूं तो मैंने जीरो से डीएफएस कॉल किया तो मेरा एक कंपोनेंट आ गया ठीक है उसके बाद मैंने क्या किया था मैं फाइव से डीएफएस कॉल किया था ठीक है उसके बाद मैंने फाइव से डीएफएस कॉल किया था ठीक है फाइव से डी कॉल करने का फायदा क्या हुआ ठीक है मैंने इससे कॉल किया था ये ये दोनों टॉप पे आएंगे ठीक है ऊपर जीरो फिर फाइव उसके बीच में ये दो नीचे होंगे उसके ठीक है ऐसा कहीं होगा जीरो फाइव इधर कहीं नाइन या कुछ भी ठीक है उसके बाद मैंने आया फाइव अब देखो फाइव से मैं सिक्स सेवन एट रीच कर लूंगा ठीक है और क्या है कि मैं ना ये वाले पार्ट में जा सकता हूँ ना ये वाले पार्ट में ठीक है तो ये सेकंड डीएफएस कॉल हो जाएगी ठीक है अब अब तो बाकी कुछ बचा ही नहीं है ठीक है अब मैं अगर इधर से डीएफएस कॉल लगाऊ ठीक है इधर से डीएफएस कॉल शुरू में नहीं लगानी क्यों क्योंकि अगर मैं डीएफएस कॉल इधर से लगाऊंगा तो इसके एडजेंट ये सारे विजिटेड हो जाएंगे तो वो एक ही कॉम्पोनेंट के अंदर काउंट हो जाएंगे बट मेरे को पता है कि ये अलग अलग कॉम्पोनेंट्स हैं तो मैं क्या करूँगा जो पहले अलग अलग है जो किसी और कॉम्पोनेंट को नहीं जाते पहले वो कवर कर लिए ठीक है अब क्या है कि थ्री फोर है थ्री फोर का ये मेरे को पता है सारा विजिटेड है ठीक है ये विजिटेड है अब मेरे को पता है कि अगर मैं थ्री या फोर जहां भी डी एफ एस कॉल लगाऊं किसी भी वर्टेक से तो मेरे को वो सिर्फ यही कॉम्पोनेंट देगा तो वो मेरा थर्ड पार्ट आ जाएगा ठीक है सिमिलरली फिर मैं नाइन पे लगाऊंगा तो वो मेरा फोर्थ पार्ट आ जाएगा ठीक है तो ये फंडा था कि जिसकी डी एफ एस कॉल एंड में खत्म हो रही है वो टॉप पे रहे क्योंकि रिवर्स करने के बाद वो आइसोलेटेड बन जाएगा वो किसी दूसरे पे स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कॉम्पोनेंट पे नहीं जा पाएगा ठीक है मजा आया ना ठीक है तो शुरू में जब ये आप एल्गोरिदम करते हो मजा नहीं आता क्यों क्यों मजा क्यों नहीं आता समझ नहीं लगता हो क्या रहा है बट जब ये आप समझते हो कि हाँ ये कैसे वर्क करेगा कैसे तो है। कोड है। तो लंबा हो जाएगा ठीक है मैं सीडो कोड लिख के बताता हूँ कि क्या क्या करना है टाइप ठीक है सबसे पहले मैंने क्या किया था अः आ... विजिटेड को विजिटेड एरे लिया था ठीक है वो बुलियन लेना था और उसको सारा मेरे मेरे को को कर देना था था ठीक ठीक है है मेक 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 एंड इट इट कोई बुलियन ले लो make it false. उसके बाद करना डीएफएस कॉल करना था और क्या था उससे जब डीएफएस खत्म होगा डीएफएस रहते होता है ना डीएफएस की अगर आपने मेरी वीडियो देखनी है तो उसका लिंक भी मैं दे दूंगा वो देख लेना ठीक है डीएफएस में क्या होता है सबसे पहले मैं विजिटेड को मान लो कि डी एफ है तो मैं डी में क्या करता हूँ सबसे पहले जो नोड है ये स्टार्टिंग है मान लो ठीक है तो ये स्टार्ट को मैं कर देता हूँ ट्रू ठीक है उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि एक्सप्लोर इट्स नेबर उसके बाद मैं क्या करता हूँ उसके बाद मेरे को अब लास्ट स्टेप क्या करना है कि जब मेरा डी एफ कवर हो गया तो मेरे को स्टैक में पुश कर देना है तो मैं क्या कर देता हूँ स्टैक डॉट पुश स्टार्ट ये डीएफएस का सीडो कोड है कि डीएफएस में को क्या करना है ठीक है क्या क्या चाहिए होता है स्टार्ट एक मेरे को ग्राफ चाहिए होता है एक मेरे को वर्टेक्स चाहिए होता है टोटल कितने वर्टिसेस है और मेरे को क्या चाहिए होता है विजिटेड एरे चाहिए होता है ठीक है और मेरे को स्टैक चाहिए था ठीक है तो ये पांच पैरामीटर आएंगे तो ये मेरा डीएफएस हो जाएगा ठीक है तो मेरे को इसके बाद क्या करना है डीएफएस कॉल लगानी है ठीक है डीएफएस कॉल डायरेक्टली नहीं मैं लगाऊंगा क्योंकि एक से ज्यादा डीएफएस कॉल लगेंगी तो मैं क्या करूंगा फॉर आई टू जीरो जब भी मेरे को नॉट विजिटेड एरे मिले तो मैं उस पर डीएफएस कॉल लगा दूंगा तो व्हाट आई विलू जी वी विजिटेड तो इधर स्टैक भी मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ ठीक है तो ये मैं डीएफएस कॉल लगाया तो ये डीएफएस कॉल लगाने के बाद क्या है कि मेरे पास टैक में सारे वेरिएबल्स आ जाएंगे ठीक है तो उसके बाद मेरे को क्या करना है दोबारा से विजिटेड सारे फॉल्स कर देने फॉल्स। और मेरे को क्या करना था ग्राफ को रिवर्स करना था तो मैं एक नया ग्राफ बना लूंगा रिवर्स करके

अब मेरे को क्या करना था स्टैक में से एलिमेंट लेना था और डीएफएस कॉल्स लगानी थी तो मैं एक काउंट वेरिएबल रख लेता हूँ जीरो टोटल डीएफएस कॉल्स काउंट करनी है जितनी डीएफएस कॉल्स होंगी उतने मेरे स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट्स होंगे तो काउंट मैंने जीरो कर दिया उसके बाद मेरे को क्या करना था मेरे को क्या करना था कि जब तक वाइल्ड स्टैक इज नॉट एम्प्टी ठीक है तो क्या कर देना था पॉप करना था एलिमेंट पॉप किया और अगर वो विस्टिड नहीं है इफ विस्टिड ऑफ आई कोई भी मतलब एलिमेंट मतलब अगर वो एलिमेंट फॉल्स है ठीक है तो मेरे को उधर डीएफएस कॉल करनी थी ये वाला डीएफएस और रिवर्स का डीएफएस अलग होगा आप एक और डीएफएस फंक्शन बनाओगे तो मान लो वो कैपिटल डीएफ से ठीक है उसमें क्या है कि ये दो पार्ट होंगे ठीक है उसमें ये लास्ट वाली स्टेटमेंट नहीं होगी क्योंकि अब मेरे को स्टैक से कोई लेना देना नहीं है मतलब अब मेरे को स्टैक में कुछ नहीं करना ठीक है ये सारा सेम रहेगा इसमें स्टैक नहीं आएगा बाकी चारों वेरिएबल्स आएंगे और क्या है कि यह पहली लाइन और दूसरी लाइन पहली लाइन और दूसरी ये दो आएगा मतलब सिंपल डीएफएस लगेगा इस पे ठीक है तो मैंने क्या किया डीएफएस लगाया डीएफएस आई पे और काउंट प्लस प्लस कर दिया ठीक है तो एंड में क्या है कि मेरा जो आंसर आया जो वैल्यू काउंट की दैट विल बी इक्वल टू द टोटल स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट्स ठीक है तो ये वीडियो थी की स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट्स फाइंड करने के लिए ठीक है तो मेरे को तो लगता है अच्छे से कराया है ठीक है समझ आ भी जाना चाहिए ठीक है तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना सब्सक्राइब करना शेयर करना फ्रेंड्स के साथ ठीक है मिलते अगली वीडियो में